सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि सेवा में शुद्ध और समर्पित भाव होता है। सेवा में स्वार्थ या किसी लाभ की कामना जुड़ जाती है तो वह सेवा नहीं रहती। सेवा का उद्देश्य दूसरों के प्रति प्रेम और समर्पण प्रकट करना है, न कि किसी को प्रभावित करना। सेवा के दौरान चालाकियों और स्वार्थ को रोककर इसे ईमानदारी से करना ही सच्ची सेवा है। गन्नौर समालखा हल्दाना बॉर्डर स्थित निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर आयोजित 3 दिवसीय समागम में लाखों श्रद्धालुओं को सतगुरु माता जी ने रविवार की रात को मंगलकारी प्रवचनों की रस धारा प्रवाहित की। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि सेवा में शुद्ध और समर्पित भाव होता है। हम अक्सर अपने विचारों और आदतों में सीमित रहते हैं। इसे उदाहरण द्वारा समझाया गया, जैसे पानी के स्रोतों को देखकर किसी का दृष्टिकोण ग्लास, बाल्टी, तालाब या समुद्र तक सीमित हो सकता है। इसी तरह हमें अपने जीवन में सोच और समझ का विस्तार करना है। कुएं के मेंढक की तरह अपनी सीमित सोच को सच्चाई मान लेने से जीवन का वास्तविक स्वरूप छूट सकता है। आदतों में बदलाव लाने और अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास भी विस्तार का एक रूप है। यदि हम जानते हैं कि कोई आदत गलत है और फिर भी उसे छोड़ने में असमर्थ है, तो यहाँ आत्म अवलोकन की आवश्यकता है। अपनी सोच और आदतों को सकारात्मक दिशा में विकसित करना जरूरी है। अक्सर हमारी सोच केवल हमारे फायदे तक सीमित होती है, लेकिन अगर हमारी सोच दूसरों के लाभ को भी शामिल करे तो यह सच्चे विस्तार का प्रतीक होगा। अपने दृष्टिकोण को लचीला बनाना और दूसरों के विचारों को खुले दिल से अपनाना है। माता जी ने एक कहानी के माध्यम से समझाया कि जिद्दी सोच कैसे हमें वास्तविकता से दूर रख सकती है। जीवन में विचारों का आदान प्रदान और नई सीखों को अपनाने की क्षमता हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। आइए सुनते हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने संदेश में क्या कहा। ये जो आज सत्संग के दौरान भी जिक्र हुआ कि हम अक्सर जितना जानते हैं हमारे लिए तो वो ही पूरा होता है, उससे आगे भी कुछ है उसकी समझ ही नहीं होती। जैसे सत्संग में आज उदाहरण देखा कि एक पानी का ग्लास अगर जिसने सिर्फ देखा है उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उसके लिए वो ही बहुत है। जिसने बाल्टी देख ली उसके लिए वो ही बहुत है। जिसने स्विमिंग पूल फिर देखा उसके लिए वो बहुत पानी है। जिसने एक तालाब देख लिया उसके लिए वो बहुत पानी है। जिसने झरने नदियाँ देख ली उनके लिए वो बहुत सारा पानी है। और जिसने ये समुद्र देख लिया तो पता है पानी का तो इससे ज़्यादा विस्तार और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा समुद्र से ऊपर पानी तो कहीं और नहीं समा सकता। तो बात वही कि हम इसमें कहीं ऐसे कुएं के मेंढक ना बन जाएं जो अपना दायरा इतना छोटा करके उसी को सच्चाई मान लें कि एक कुएं जितना ही जीवन उसी में जिया और ख़त्म भी वहीं, और यही सोचा कि जितना ये पानी मुझे दिख रहा है मेरी एक छालांग में उतना ही ये बहुत है। तो अपनी सोच को भी हम इस तरह विस्तारित करें, एक वो सोच को खुला रखें, ओपन रखें कि हर बार ऐसा ही नहीं है जो मेरे अपने ख्याल हैं, मेरी अपनी सोच है कि वो ही ठीक है। दूसरे का नज़रिया, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू तो हमने सुनना ही नहीं है, क्योंकि जैसा हम कर रहे हैं इतने सालों से या बिल्कुल अभी वो ही ठीक है क्योंकि हमारी सोच है। यहाँ अहंकार आ गया, यहाँ कंडीशनिंग आ गई इतने सालों की। तो बात वही कि विस्तार वो भी है जहाँ ये चीज़ें जो जकड़ रही हैं, बांध रही हैं, वो बंधनों को भी काटना विस्तार है।